ठाकुर की इज्जत पर हाथ डालकर शराफत का भरम खो दिया। तूने मेरी बेटी की इज्जत खराब की। मेरी आत्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। तू कभी सुखी नहीं होगा, कभी सुखी नहीं होगा। कल ये खून तुझे रुलाएगा, कानून तेरा गला जरूर दबाएगा, जरूर दबाएगा। पहना दो। मैंने भगवान को गवाह करके मकतूल की लड़की को अपनाया जो इन दिनों मां बनने वाली है, मगर मरने वाले ने यह सब गलत समझा और पहली गोली मुझ पर चला दी। मैंने अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश की मगर बेसूद। आखिर एक गोली मेरे हाथ से चल गई। मैं सच कहता हूं, मैंने खून जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अभी तक तुम्हारी सफाई का कोई गवाह नहीं मिला। एक ठोस गवाह जो तुम्हारी बीवी थी, पुलिस की तहकीकात से पता चला है कि वो सैलाब की नजर हो चुकी है और उसका भी कहीं कोई पता नहीं चला। मेंबरान ने ज्यूरी की राय और मुजरिम पर लगाए गए इल्जाम को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम को सजा का मुस्तहक ठहराती है और 14 साल कैद बामशक्कत ज़ेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद सुनाई जाती है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं। राधा तुम भी, राधा राधा। भगवान, चौधरी, ओ चौधरी, जिसे राम राखे उसे कौन चाहते। जिस जिंदगी को बाढ़ में से बहते तुमने बचाया था, उस जिंदगी को भगवान ने एक सहारा दे दिया। लड़का लड़का, उसकी लीला अपरंपार है भाई। वो बड़ा दयालु है। बेचारी न जाने कहां से बहती हुई चली आई थी, न पिता का ठिकाना न पति का। चलो अच्छा हुआ, उस मुसीबत की मारी की गोद तो हरी हो गई। जच्चा तो भली है ना। जच्चा भी भली, बच्चा भी भला। जिंदगी के हसीन 14 सालों को जेल की चारदीवारी में दफन करके जब मैंने खुली फिजा में कदम रखा तो जिंदगी मेरे लिए नर्क से भी बदतर बन गई। एक शरीफ इंसान जो फितरत से गुनाहगार नहीं बल्कि गुनाहगार बना दिया गया, दोबारा शराफत का सहारा लेकर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। पहले मुझे खूनी मुजरिम जानकर धत्कारा गया, फिर मुझसे नफरत की गई। वक्त की गर्दिश 8 साल तक दरबदर की ठोकरें खिलाती रही। शराफत की जिंदगी बसर करने के झूठे सपनों ने रोटी और कपड़े का मोहताज बना दिया। आखिर एक दिन तंग आकर मैंने आखिरी बार भगवान से शिकायत की। भगवान, ये तेरी दुनिया पत्थर की क्यों है? जवाब दे, जवाब क्यों नहीं देता? मैं समझा, दोषी तू नहीं, दोषी मैं हूं। मैं जिसने पत्थरों को तोड़ने वाले इन हाथों को पत्थरों के सामने फैला दिया। लेकिन मैं अब इन हाथों को किसी के सामने नहीं फैलाऊंगा, तेरे सामने भी नहीं, क्योंकि यह दुनिया शरीफों की नहीं है। यह दुनिया शरीफों की नहीं। मैं वो बनूंगा जिसके आगे सब सर झुकाते। अबे तीन दुखिया है, माल मेरा है, समझा? अबे माल मेरा है बेटा। अबे देखिए, अरे माल देता क्या नहीं? और चाहिए किसी को माल? नहीं नहीं जी, हमने कब मांगा था माल, आप ही का है। एक दो तीन। अबे उल्लू के पट्ठों, क्या छोटे छोटे खेलों में अपनी जिंदगी तबाह करते हो। खिलाड़ी बनना है तो मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें बिग गेम। आ, 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 आ,
क्या है बे? खुश हो जाइए सरकार, खुश हो जाइए। किस्मत का सितारा बुलंदी पर है। 50 लाख का आसामी है। 50 लाख। खून करना या डाका डालना? कमाल तो ये है कि न खून करना है न डाका डालना है, सिर्फ एक छोटा सा फिल्म का डिब्बा हुकूमत के हाथ से छुड़ाकर गद्दारों के हाथों में दे देना है सरकार। कुछ एडवांस लाए हो बेटे? 10 लाख रुपया पेश की सरकार। 10 लाख देखिए सरकार, 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख? अब बोल। नहीं बोलेगा। याद है मैंने सच कहा था, ये दुनिया शरीफों की नहीं। शराफत एक एक पैसे की मोहताज होकर गलियों में भीख मांगती फिर रही, और जुर्म शराफत का जामा पहने कोठियों में पल रहा है। 20 साल बीत गए भगवान, इसी उम्मीद पर कि उनके दर्शन एक न एक दिन जरूर होंगे। काश वो ये जानते कि उनका राम अब कितना बड़ा हो गया है। तो मुखिया तू है? अरे जानता है तूने किसका हाथ पकड़ा है? मैं तो रामा की बहन हूँ, रामा की। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़। पकड़ो। आज तक गरीब किसानों पर जुल्म होता रहा, गांव की बहु बेटियों की इज्जत से खेला गया। मैं देखता रहा, सहता रहा, लेकिन इंसानियत का गला घोंटने वाले ये जालिम हाथ आज मेरे गले तक आ पहुंचे हैं। कसम बजरंग बली की, आज मैं इन हाथों को तोड़कर रख दूंगा। अबे डरते क्या हो, मारो। Hey!
जानती मां ये कुछ नहीं बिगड़ेगा, जरा सी तकलीफ देने आया, थोड़ा सा काम। काम? सिर्फ एक पैकेट प्लासनियर चौकी के उस पार पहुंचा दो, वहां एक आदमी मिलेगा जिसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी होगी, ये पैकेट सिर्फ उसी को देना। ये तो कोई भी कर सकता था। तुम एक शरीफ लड़की हो और दुनिया शरीफों पर भरोसा करती है। नहीं, नहीं, मैं नहीं करूंगी। तुम ही को ये काम करना होगा, तुम ही ये काम करो। दीदी मुझे बचा, दीदी मुझे बचा। इतनी प्यारी बच्ची, अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में। इनकार किया या जरा भी गड़बड़ की तो ये नन्नी सी कली मसल दी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ। फौरन कार में बैठ जाओ और देखो, अगर जरा भी ये बात तुमने किसी से कहने की कोशिश की तो ये चीनी की गुड़िया तोड़ दी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये है वो पैकेट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कम ऑन बॉयज। प्लीज स्टॉप द कार हियर। दैट्स राइट, थैंक यू। क्या बात है इंस्पेक्टर? आज हमें ऑर्डर मिला है कि शहर से बाहर जाने वाली जितनी गाड़ी हैं उन सब की तलाशी ली जाए। लेकिन किस लिए? एक फिल्म को जिसमें हुकूमत के कुछ खुफिया राज एक्सपोज हैं, गैर मुल्की जासूसों ने चुरा लिया है। खुफिया राज? आप जा सकती। उस चुराई हुई फिल्म के लिए इस अखबार में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकती हैं। थैंक यू। रूपा, रूपा, मुझे पहचाना नहीं? कौन है तू? तेरा समीर। मैं तुझसे ये पूछने आई हूँ कि तुझे मालूम है तू ये क्या करने जा रही है? तू अपनी बहन की जिंदगी के लिए अनगिनत माओं की गोद सुनी करने जा रही है, अनगिनत सुहागनों का सुहाग लूटने जा रही है। रूपा, तू अपने वतन के नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की मुस्कुराहटें छीनने जा रही है। उस दिल खुदगरस, तू अपने मतलब के लिए
क्या करोड़ों इंसानों की आजादी का खून कर देना चाहती है? नहीं रूपा, नहीं, तू भाग जा, भाग जा रूपा। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरा फोन। सरदार, डिटेक्टिव किशोर आ पहुंचा। मुझे मालूम है। सरदार, किसी तरह जान बचाकर भाग निकलना चाहिए। मैंने ऐसे डिटेक्टिव बहुत देखे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, डटे रहो। डाकू भैरव, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हथियार डाल दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई खतरनाक कदम उठाना पड़ेगा। मेरी बात का तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरे 20 गिनने से पहले अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो फिर मैं ऊपर आता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बहुत हो चुका, अब मैं खुद तुम्हारे पास आता हूं। बंद कर रहा। अब मैं यहां तक आ पहुंचा हूं। अगर जान की सलामती चाहते हो तो हथियार डाल दो। डिटेक्टिव किशोर से बचना बहुत मुश्किल है। हेलो, सामने आओ। मैं यहां हूं। आहा, तो तुम यहां हो। आगे पढ़ने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। मारो। मार दूंगा, मारो। अब कहां बच कर जाएगा? ठहरो डाकू, मैं डिटेक्टिव किशोर हूं। भागता कहाँ है? और कौन है तेरे साथ? कोई नहीं, अकेला हूं। कौन बोला? मैं। काकुमार,
इधर आ, इधर आ, जल्दी आओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? इंसान। ताला बंद, चाबी मेरे पास, चारों तरफ से कमरा लॉक्ड, फिर तुम कहां से पैदा हुए फटीचर? खिड़की से। ओह, तो आप चोर साहब हैं? दसी बकिए, मुझे यहां कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं चुका। अनाड़ी हो तुम, यहां क्या नहीं है, सब कुछ है, भूख है, बेकारी है, कर्जा है। ये जो दिल में आ चुरा लो। मैं चोर नहीं हूं, मैंने पेट की आग से तंगा के ये कदम उठाया है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। पेट की आग चोरी से नहीं, मेहनत से बुझती है मेरे दोस्त। अफसोस कि मैं तुम्हारे काम ना आ सका। मगर तुम मेरे काम आ सकते हो। जी, ठीक वक्त पर आए हो मेरे दोस्त। थोड़े ही देर में कर्जदारों की पलटन आने वाली है। महीनों से मुकाबला कर रहा हूँ, मगर आज का दिन भारी है। मैं क्या करता है? जैसा मैं कहूँ वैसा करो। गंजी उतारो। धोती? धोती नहीं, कान इधर लाओ। सुनो, खोलो खोलो दरवाजा खोलो। अरे सेठ जी, अब तू बुढ़ावे के बाद दरवाजा नहीं खुली। अब तो तुहार गर्दन पे ठिकाने नहीं रहा। हम खोले थे, आज हम पैसा लिए बगैर नहीं टलब। चला हटा। महाराज, गंगू भाई, किशोर का बच्चा अपने आप को समझता जा जी। इडली डोसा खाते बस घपा कर खाए, अब पैसे दे दे बस मुंडिया छिपाता है, उसका तंगड़ी तोड़ता है। भाई मर गया क्या? महाराज, तुमने जमुना की माँ को जमीन में दबा हुआ खजाना बताया। वाह 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 वाह। तुमने चरणदास वर्मा को सट्टे का आंकड़ा देकर राजा बनाया। तुमने घोड़े की टिप देकर दीनू तेली को दीनानाथ बनाया। महाराज महाराज, तुम जहाँ भी कदम रख दो जमीन सोना उगले। मेरे लिए भी बोल जाओ महाराज, बोल जाओ महाराज, बोल जाओ महाराज, बोल जाओ महाराज, बोल जाओ। मैं आपका चमत्कार जानता हूँ महाराज। महाराज, आपने खाली गोदे भर दिए हैं। भरती होगी। जो चटाई पर थे उन्हें कुर्सी पर, और जो कुर्सी पर थे उन्हें पलंग पर, और जो पलंग पर थे उन्हें सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। अरे सी 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 सी, क्या करता है पगले? तू गुरुदेव के गुण नहीं पहचानता। अरे मैंने धूप में ये बाल तो बैठ नहीं किए हैं। जब गुरु जी मुड में आएंगे तब बोलेगा। ये इधर को नहीं बोलेगा जी, इसको तो हम अपने घर ले जाएंगे। जब बोलेगा तुम कैसे ले आएगा अपने घर? हम लेके जाओ अपने घर गुरुदेव का। अरे क्या मतलब हो भैया जी, हम ले जाएंगे अपने घर को। और मैं जो लुट गया, बर्बाद हो गया? तुम लोग तो गुरुदेव को प्रसाद समझकर बात रहे हो, और मैंने जो इन पर खर्चा किया है उसका क्या होगा? झगड़ा के कौन बात होती फिर बाबू? एले 50 रुपया और दुधवा के पैसा भी माफ। अरे छोड़ो भैया, क्या 50 रुपया 50 रुपया रखो उधर। किशोर बाबू, किशोर बाबू, ये 100 रुपया 100 रुपया, और मकान का किराया भी सब माफ। इतने बड़े गुरु का 100 रुपया कीमत? किशोर बाबू ये लीजिए 120 रुपया, और इतनी डोसे का पैसा भी माफ। अरे भैया लड़ने से क्या फायदा, गुरुदेव तो सबके हैं, जिसका जी चाहे उठा लो उठा लो उठा लो। को रूप बदला तो दुनिया ही घुमा दी। महाराज जैसे मेरा कल्याण किया वैसे इन सब का कल्याण कर देना।
बॉस बड़ी मानूस का भाई, वो लड़की मैं कार के पानी में चली गई, बिल्कुल चली गई बॉस। कैसे गई, क्यों कर गई? इसी बात का तो ताज्जुब है बॉस, हमने उसको रोकने की लाख कोशिश की मगर उसने कार रोकी नहीं, उसने हमारी जरा भी परवाह नहीं की। उसने हमारी जरा भी परवाह नहीं की, बेवकूफ हो, मगर हमें उसकी परवाह करनी चाहिए। अगर वो लड़की पुलिस के हाथों में पड़ गई जानते हो क्या होगा, हम सबके सब धर लिए जाएंगे और 50 लाख का नुकसान अलहरा होगा। बॉस आप भी कोई तरकीब निकालिए ना, हमें उस लड़की को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना चाहिए, चलने की तैयारी करो। शायद पूछने आ रही, किसी की जान नहीं लेते बेटे, मारना और चिल्लाना तो भगवान का काम है। आंखें खोल, डर मत, हम सब तेरे हैं बेटी। मैं कहाँ हूँ, आप सब कौन हैं? अरे मैं राधा हूँ और ये है मेरा बेटा रामू। घबराइए नहीं, जैसे तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे। ओ, तो मालूम होता है कि तेरी जान लेने के लिए ही उन लोगों ने तुझे नदी में फेंका था। तुम्हारी बातों में कोई गहरा भेद मालूम होता है, आखिर ये कहानी क्या है? अरे वक्त वक्त कहेगा, ये कौन सा बुरा वक्त है? देख मुझे कहानी सुनने का बहुत शौक है, हो जा शुरू, हो जा हो जा। चुप रही नटी, जब देखो टैंडे टैंडे करती ही रहती है। देख लो मामा यार। चलो आ जा यहाँ से, उस बिचारी को आराम करने दो। क्यों पुलिस आई है? पुलिस? हाँ लड़की वड़की का चक्कर। लड़की वड़की का चक्कर है, करेक्ट, यही मौका है डिटेक्टिव बनने का, कड़की भी दूर हो जाएगी। हट जा। डिटेक्टिव बनेंगे बेसुख का। क्या काम है? कुछ नहीं, चिलगोजे का छिलका। तो तुम्हारी मालकिन शॉपिंग के लिए शाम को निकली थी और फिर उसके बाद तुमने उन्हें नहीं देखा? जी हाँ। और फिर उसके बाद छोटी बेबी भी लापता थी? उसके बाद छोटी बेबी खेलने के लिए बाहर निकली थी और उसके बाद तुमने उन्हें नहीं देखा? TLI 5137, हमें यह इत्तला मिली है कि यह गाड़ी कल रात शावरी के पुल से टकराकर नदी में गिरी थी और वहाँ की पुलिस के जरिए हमें यह भी मालूम हुआ है कि पुलिस ने जब गाड़ी पर कब्जा किया तो बिल्कुल खाली थी, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी मालकिन। ऐसा ना कहिए इंस्पेक्टर साहब। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारी मालकिन शॉपिंग के लिए निकली थी तो उन्हें शहर से इतनी दूर और तन्हा जाने की क्या जरूरत थी? कुछ शुभा पैदा होता। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। वाह वाह वाह, आलू और गोश्त का लच्छेदार शोरबा, सोंधी सोंधी गुवार की फल्ली, पुदीने की चटपटी चटनी। कमाल हो गया, असम है गुरु जी, राम पापा तो शहरी होकर लग गया। क्यों भैया, तुम्हारा खाना तो किसी से कम नहीं, फिर शुरू क्यों नहीं होते? बाबूजी, बाजू में ब्राह्मण महाराज बैठे हैं, पहले ये भोजन कर ले तब हम करेंगे। नमस्कार महाराज, मैं कहता हूँ कि आप अपना भोजन प्रारंभ क्यों नहीं करते? अजी बाबू साहेब, ऐसे वातावरण में भोजन करके क्या मैं अपना धर्म नष्ट करूं? देखते नहीं एक तरफ मलच और दूसरी तरफ क्या फरमाया आपने पंडित जी, मैं आपकी सच्चियां उड़ा दूंगा। अजी मैं आपसे क्या तोड़ दूंगा? बंदा नवाज, आप शुरू हो जाइए ना। लाहौल वाला कुबर, क्या आप शुरू हो जाए?
दिया माहौल की नजाकत से कतई बेनियाज हो। गांधर अपना आगे लाइए। पड़ोस में फिरंगी बैठा हुआ। यू मैं कहता हूँ आप अपनी जबान। आज ही हुजूर मैं आपका सीमा बना हमारा चश्मा हाथ में मिला। देखिए आप लोग तो खाना खाएंगे नहीं, फिर मैं ही शुरू हो जाता हूँ। राहुल मेरा कुमार का भक्त ने खाना खराब कर दिया। अरे बीच नास्तिक, तूने भक्त कर दिया, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, मैं तुझे भक्त कर दूंगा। शांत अर्जुन शांत। महाराज ये अग्नि रथ और वायु यान का जमाना नहीं बल्कि जेट और धुएं का जमाना है। चलो प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो।
जनता है वो ताज देखो, हर जगह प्यार की है कहानी, प्यार सदियों से अब तक अमर है और हर चीज है आनी जानी। ये अजंता है वो ताज देखो, हर जगह प्यार की है कहानी, प्यार सदियों से अब तक अमर है और हर चीज है आनी जानी। ये जब तक ये दुनिया है तब तक ये जिंदा है, सबने सर झुकाया जब इनकी याद आई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। अजीब बात है, दुनिया की बैलगाड़ियों को तो बैल खींचते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ की तो ये नीचे अजब है। अरे तू नहीं जानती, बात ये है कि हमारे घर में एक अजीब बैल रहता है, जो ताकत से तो बैल लगता ही है पर अकल से भी बैल। अच्छा, जानती है मैं उसे क्या कहकर पुकारती हूँ? नहीं तो बता। रामू भैया। क्यों री, एक तो तुझे गाड़ी में बैठा कर लाया और ऊपर से तू मेरा ही मजाक उड़ाती है। चल भाग भैया, चल भाग। घुंघराले बाल, गालों पर तेल। अनु बाबा सुनो सुनो। क्यों रे, शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए? बदमाश कहीं का। माफ करना महिला मंडल, बड़ी जोर से मार दिया। ये नहीं, ये भी नहीं, तो फिर वो जरूर होगी। यही है वो। सर पर घूंघट और घूंघट से झांकते हुए बालों की वही चमक, वही दमक। बैठ जी। ना बहन हो ना भैया। ओ मेरी मैया। संभल के। दिखता नहीं है क्या? दिखता है। सॉरी। कहाँ से आया है? बंबई से। एक बात पूछूं, मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगी, पूछ। बात दरअसल ये है कि मुझे तुम्हारी जैसी एक लड़की की तलाश है। लड़की? हाँ, खूबसूरत चेहरा, गाल पर तिल, घुंघराले बाल। बाल? हाँ, और वही नाक। अरे बाप रे, तुमने तो कहा था थप्पड़ नहीं मारोगी। तो गन्ना मारा है। बड़ा आया बम्बई का बाबू। बाप रे, बड़ी जोर से मार दिया। आई बम्बई का बाबू। ओ मेरी माई। भैया। क्या? अरे दीवानों की तरह हंसती ही जाएगी या कुछ बोलेगी भी? भैया, गांव में एक निराला पागल आया हुआ है। पागल? हाँ भैया, बम्बई का बाबू, जो लड़कियों को इस तरह से ताकता है। भैया इस तरह से ताकता है जैसे कभी लड़की देखी ही नहीं हो। तब तो पागल नहीं, कोई लफंगा होगा। तू जा, घर जा, जा जा जा। अरे तू क्यों उदास हो गई? रामू भैया, जिस राज को मैंने आज तक आपसे छुपाए रखा उसे आज बता देना चाहती हूँ। ये वो फिल्म है जिसमें हमारे देश के कुछ कीमती राज छुपे हुए हैं और इसी के लिए आज मैं अपनी जिंदगी के सुख चैन छोड़कर गलियों की खाक छानती फिर रही हूँ। यहाँ तक रामू भैया कि मैं अपनी छोटी बहन को भी उन्हीं गुंडों के रहमो करम पर छोड़कर चली आई
न जाने वो किस हाल में होगी। मुझे डर है रामू भैया कि ये जो अजनबी आया है हमारे गांव में कहीं उन्हीं गुंडों का कोई आदमी ना हो। बस इतनी सी बात के लिए घबरा गए? पगली, जब तक तेरा ये भाई जिंदा है तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उन गुंडों से मैं निपट लूंगा। सत्तार, हम इतनी दूर आए वो लड़की ना मिली। मेरा ख्याल है अब हमें भेस बदल लेना चाहिए ताकि हम उसे देख सके और वो हमें ना देख सके। अब बॉस कैसे कही है? ठीक है ना? बम्बई के ये बाबू दिल्ली
ये खंभा। कौन हो तुम? क्या मतलब? मतलब अभी बताता। सच बताओ, तुम गुंडों के आदमी हो या पुलिस के? क्या बात करते हो उस्ताद, पुलिस से तो अपने बाप दादा का ही पाला नहीं पड़ा, रही गुंडों की बात तो देख लो सर से पांव तक शरीफ हूँ। चुप रहे। कहाँ से आए? घर से। यहाँ क्यों आए? अजीब चक्कर है, जंगल में रात बितानी चाहिए तो शेर और चीते एड्रेस पूछने लगे, डरकर बस्ती में आया तो तुम पासपोर्ट मांग रहे हो। भैया जाने तो, भैया ये तो कोई परदेसी लगता है। क्या बात है, क्या बात है, इतनी बड़ी दुनिया में आप ही ने मेरा दर्द पहचाना। किधर गई? मगर जाए तो जाए कहाँ, हमने तो बुजुर्गों से सुना था कि गांव वाले परदेशियों के साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं, मगर यहाँ तो सब उलट पुरान हो गया। हाँ भैया रहने दो ना, इतनी रात गए कहाँ जाएगा बेचारा। हाँ, सिर्फ एक हफ्ता। क्या एक हफ्ता? रहने के लिए आए थे तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे मौका ही नहीं मिला पहलवान। चलो चलो। बस बस अब इंटरवल कर दो पहलवान, बहुत बुरा हाल है। अरे थोड़े से डंड और लगाओ, ताकत आ जाएगी। अरे क्या खाक ताकत आएगी, जो पास थी वो भी निकल गई। हिम्मत से काम लो, थोड़े ही दिनों में तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। पहलवान क्यों किसी की औलाद को वक्त से पहले मार रहे हो? अरे मुझे पहलवान नहीं बनना है, मुझे डिटेक्टिव बनना है। टिक-टिक क्या बनना है? अरे टिक-टिक नहीं, डिटेक्टिव। आलोक निरंजन, दूर करे हम दिल की उलझन, जोड़ दे टूटे प्यार के बंधन। प्रणाम महाराज। कल्याण होगा बच्चा। हम सब जाने कौन है झूठा कौन है सच्चा, देखा देखी हाल बताए, पिछड़े हुए दिल दिल से मिलाए। मेरा हाल बताओ तो जानू, वरना सब है पोलम पोल। धीरे बोल, ये देश तेरा नहीं है, तू भी परदेसी है। तू जिस चिंता में भटक रहा है वो भी पूरी होगी बच्चा। मान गया महाराज, अवश्य आप कोई पहुँचे हुए महापुरुष हैं। हम धरती पर मनुष्यों का दुख दूर करने आए हैं बच्चा। जो बोलेंगे वो सच होगा और जो देखेंगे वो भी सच होगा। गुरुदेव मुझे जिसकी तलाश है समझ ले मिल गई, आगे बोल। हरिओम। मुझे कामयाबी का मिलेगी, समझ ले मिल गई, आगे बोल। हरिओम। महाराज मैं अपने दुश्मनों का सामना चाहता हूँ, समझ ले हो गया, आगे बोल। हरिओम। महाराज मेरी भी एक तमन्ना है। मांग बच्चा, क्या मांगता है? मैं अपने बाप से बिछड़ गया हूँ, उन्हें देखना चाहता, देख रहा है, आगे बोल। हरिओम। महाराज मैं भी बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख दूर कीजिए। अब तेरा समय बदल जाएगा, तेरा दुख दूर हो जाएगा। माँ देख कितने बड़े स्वामी जी आए हैं अपने घर, इनके लिए कुछ जलपान लेती है ना? अभी लाए बेटा। हम दान दक्षिणा के लोभी नहीं है और नहीं हमें किसी की सेवा की आवश्यकता है, हमें जाने दे। लेकिन महाराज। हाँ हाँ चिंता मत कर, हम फिर आएंगे। अलग बेटा कहाँ गए स्वामी जी? वो तो चले गए माँ। चले गए? हाँ। खाली हाथ ही चले गए, तूने रोका क्यों नहीं बेटा? कौन जाने साधु के भेष में हमारे घर भगवान ही आकर लौट गए हो। अरे बाप रे ओ पहलवान ने तो मेरे सारे अंजर पंजर ढीले कर दिए। अगर अगर एक्सरसाइज का यही आलम रहा तो अपने को डिटेक्टिवशिप छोड़नी पड़ेगी। और कौन है पहलवान, फिर आ गए? दरवाजा खोलो। कौन है बोलो?
मैं हूँ रूपा। रूपा, अरे तुम्हारे लिए तो दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। क्या कहा? दरवाजे खुले हैं, अंदर आ जाओ। अच्छा उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खा लो। शुक्रिया शुक्रिया, मगर अपने हाथों से खिला दो। क्या कहते हो? अरे देखती नहीं, मेरे सारे पुर्जे जाम हैं। छी 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 छी, जरा सी मेहनत से घबरा गए, कैसे आदमी हो? आदमी तो बड़ा रोमांटिक हूँ, नहीं समझी? मेरा मतलब है रंगीला, शर्मीला। अच्छा ज्यादा बातें ना बनाओ और चुपके से खाना खा लो। भाई वाह, इतने प्यार से खिलाती हो तो फिर क्यों ना खाऊं? आ क्या हुआ? एक बात बताओ। क्या? इससे पहले कहाँ रहती थी? क्या मतलब? मतलब अजनबी सी हो मगर वैर नहीं लगती हो, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। चुप रहो। चुप कैसे रहूं? अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है। कहो। यहाँ नहीं। क्यों? तुम्हारे पलवान जी से डर लगता है। ऐसा करो, आज रात को गांव के बाहर वाले खंडर में मेरा इंतजार करना, आओगी ना? पहलवान तेरा सत्यानाश।
अजनबी से। करीब आओ, करीब आओ। क्या क्या कर रही है? मछली पकड़ रही थी माँ। हाय राम, ना काटा। चल घर चल, चल। सुनो, रात को खंडर में मिलोगी ना? अच्छा अच्छा अच्छा। चाची, मेरे दो बैल गांव के बाहर वाले भुतिया खंडर में चले गए हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है। और जो जाता है वो वापस नहीं आता। भिजवा अपने किसी सगे संबंधी को, मेरे भैया को क्यों मरवाती है? अरे तू चुप रह, ले तू घर जा। घबराओ नहीं चाची, मैं तुम्हारे बैल लेकर आता हूँ। जीते रहो बेटा। रोज तेरे नाम की जोत जलाई जाती है और सुबह बुझा दी जाती है, पर मैं तो अपनी आंखों की जोत को हमेशा जलाए रखती हूँ, केवल इसी आस पर कि एक दिन उनके दर्शन हो जाए। माँ, तू फिर रो रही है माँ? नहीं तो फिर ये क्या है? राम कहाँ है? वो अपनी बिजली का की है ना माँ, उसका बैल ढूंढने भुतिया खंडहर गया है। क्या कहा? भुतिया खंडहर? मैंने उसे बहुत मना किया माँ, लेकिन तू तो जानती है वो मेरी सुनता ही कब है। अरे तूने उसे रोका क्यों नहीं? सुना है वहाँ भूत है भूत, अगर मेरे लाल को कुछ हो गया तो। चल उसे ढूंढ ले। किशोर, दफा पास, मुझसे धोखा। कहाँ है वो पैकेट? लाओ मेरे हवाले करो। जवाब क्यों नहीं देती? मैं कहता हूं बोलती क्यों नहीं? कौन सा पैकेट? कौन सा पैकेट? शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। मैं अगर 50 लाख की चीज दे सकता हूँ तो उसे वापस भी ले सकता हूँ। तुम 50 लाख के लिए करोड़ों इंसानों की आजादी का सौदा कर सकते हो। वो आजादी जिसे वतन के बहादुर सपूतों ने फांसी के तख्ते पर चढ़कर सीने पर गोलियां खाकर हासिल की है। लेकिन ये याद रखो, मैं अपने वतन के लिए खुद को, अपनी बहन को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। ये हुई ना वतन की सच्ची मोहब्बत। सत्ता सरकार चलो। रामू रास्ता छोड़ दे। रास्ता छोड़ने के लिए नहीं रोका।
तेरा खून करूंगा। ठहर जा। अरे 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 गर्दन गर्दन बेकार। चीज वक्त से पहले ना पहुंच सकी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ऐसा ना कहिए बॉस, अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि वो जरूर आएगी। बिल्कुल आएगी, तुम लोग शहर के हर स्टेशन पर उसे चेक करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, क्या आइडिया है। मिस्टर सत्तार, मिस्टर सरकार, माफ कीजिए मैं चला। हमारी दीदी कब आएंगी अंकल? तुम्हारी दीदी जरूर आएंगी बेटे, जरूर आएंगी। बाप रे, तुम्हारे शहर में तो बड़े ऊंचे ऊंचे मकान हैं। हाँ, ऊंचे मकान और ऊंचे पकवान। पकवान? मुझे तो बड़ी भूख। तो आओ, तुम्हें अंग्रेजी होटल में खाना खिलाता हूँ। आओ आओ, चलो 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 चलो, आओ आओ आओ। Thank you.
राम 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 ओ राम, मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ राम। किशोर भैया बोलो, ये कौन सी जगह ले आए? यहाँ तो दिन दिहाड़े औरतें मर्दों के सीनों से लिपट कर नाच रही है, जरा भी लाज नहीं। तुम नहीं समझोगे, अंग्रेज तो चले गए मगर हिंदुस्तानियों पर अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए। ये रहा उनका ट्विस्ट, देखो। हे भगवान, इन हिंदुस्तानियों की लाज रखना। राम राम, चलो चलो राम राम राम, चलो। अरे उधर किधर, इधर राम राम राम। What a physique! What a promise! Ha ha ha! तो हर चीज निराली है, ये सब क्या है? इंग्लिश फूड, इसे केक कहते हैं। केक? केक नहीं, केक। हाँ। और इसे पेस्ट्री कहते हैं। पेस्ट्री 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 नहीं, पेस्ट्री। और इसे कहते हैं कस्टर्ड पुडिंग। अच्छा अच्छा, पुदीना पुदीना। हाँ। पुदीना नहीं, पुडिंग। भाई ये सब बकवास नाम है। हाँ। अपने को तो लस्सी, बाजरे की रोटी, साग और कितना सा मक्खन चाहिए। तब तो स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा, मेरा मतलब है ब्राह्मणाची खड़ावाल। तब तक तुम इसे चखो, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। मगर थाली इसी में चलेगा, इसी में चलेगा। पढ़ने दो, अपना जवान बहुत तगड़ा है। अरे तगड़ा क्या है रामू भैया, जरा चलो ना उसकी मदद करो। खा लो खा लो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रामू भैया तुम खाना खाओगे उसका नाश्ता हो जाएगा वहाँ पे। रामू रामू मैं होता छे के बच्चा खान वहाँ बताएंगे बड़ा लोफर लेती है। अब होटल में कभी नहीं आऊँ, जब मन अच्छी देता सारा। Thank you.
सुनो मेरे बंदूरे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी। सही किया, लोई मर, उन्हें मारी मरियो। मगर किंग कॉन्ग प्रभु जाने से पहले हमारी कमीज और हाथ मुंह तो धोले। शुक्रिया 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 शुक्रिया। तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। जगह तो बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर किंग कॉन्ग। ठीक है, मैं इन्हें साथ ले जाता हूँ। मगर कहाँ? चेंज करने। क्या मतलब? धोती उतार के सूट बनाने। हिंदुस्तानी दाव की जगह अंग्रेजी सिखाने। हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। बहुत अच्छा, छोड़ दो यार। दाव अंग्रेजी हो या हिंदुस्तानी, मगर सीधा पड़े। आओ जाओ जाओ। मैं हूँ महाराज। अब आपकी इजाजत हो तो मैं आपका दिया हुआ ये भेष उतार दूँ। शौक से। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया पहलवानों में। तेरो तेरो हो पागला, अभी घूमो। ये हम लोग करते। तेरो 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 ये आम इधर, ये हाथ इधर, अभी ऊपर तो हाँ।
खेल है, इसमें तो किसी की जान भी जा सकती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी खतरनाक कुश्तियाँ लड़ चुका हूँ। तुम कुश्तियाँ लड़ते थे? हाँ हाँ, डिटेक्टिव बनने से पहले मैं पहलवान था। अच्छा? हाँ, दारा सिंह और सौदागर सिंह की तो मैंने टांगे तोड़ दी है। अच्छा? और क्या नाम है उसका, वो रे अपोलिन और वो दूसरे का क्या नाम है, रॉबिनसन। थैंक यू। वो तो मेरी आई मीन टू से मिस मेरी। देखा मिस्टर किंग कॉन्ग, मैं भी कुछ कम नहीं है? बोल रहा हूँ, गर्दन तोड़ो, बोल 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 बोल। ये बात है, अरमानों की तस्वीर, मेरे ख्वाबों की ताबीर या मेरी तकदीर, इनमें से तुम मेरी क्या? निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है? क्या क्या तेरी जुल्फें हैं, क्या तेरी आंखें हैं, मैं जिसे उम्र भर ढूंढा किया वही है तू। दबी सांसें उफ तौबा, दिल में मेरे चुपती हुई नजरें उफ तौबा, रुकी रुकी दबी दबी सांसें उफ तौबा। क्यों साजे दिल मेरा, धीरे
सनम फिर कोई बात सनम मानता है दिल कहीं अगर बादे सबा आंचल ढलका दे ऐसा ना हो कि तेरी नजर कहीं शोले भड़का दे क्या हो अगर बादे सबा आंचल ढलका दे है क्या तेरी आंखें हैं मैं जिसे उम्र भर ढूंढा किया वही है तू सोच रही हूँ यही आज का चांद कितना खूबसूरत है काश इस रात की कभी सहर न होती ये सितारे ये समंदर का किनारा ये ठंडी ठंडी हवा कितना अच्छा है ना और मेरे लिए क्या ख्याल है मैं क्या कहूँ कुछ तो कहो अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी झूठ सब झूठ मेरी वाली भी यही कहती थी लेकिन आज तक लौट कर नहीं आई प्यार मोहब्बत सब धोखा है कौन किसी का होता है पागल है बेचारा ये लो चलो मिजाज हैं आपके रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई कौन है आप कमाल है आप अपनी बहन को भी भूल गईं बड़ी संग दिल हैं आप ये बेचारी तो हर वक्त रोए जाती है मुझे डर है कहीं ये रो रो कर न मर जाए नहीं नहीं इसलिए मैं चाहता हूँ कल शाम को आप यूनिटी होटल में तशरीफ ले आए जहाँ ये खादिम आपका टेबल नंबर 11 पर इंतजार कर रहा होगा और हाँ देखिए वो मेरी चीज आप जरूर साथ ले आइएगा भूलिएगा मत हाँ थैंक यू मुझे उम्मीद है अब आप मुझे ज्यादा देर मायूस ना करेंगी मेरे से इस बच्ची का रोना देखा नहीं जाता क्या बात बदमाश ने मुझे धमकी दी है धमकी दी है तो इसमें घबराने की क्या बात है मेरी अकल और राम की ताकत फिक्र न करो
मालूम था तुम जरूर कोई चाल चलोगी, इसीलिए मुझे भेद बदल कर आना पड़ा। लाओ कहाँ है वो फिर? मुन्नी। मुन्नी, इसी होटल के कमरा 102 में।
गया, मर गया, अरे मर गया, अबे कैसे, अबे कैसे, अरे तुम, अरे अरे कैसे, अरे अरे जिसको पकड़ना था वो तो भाग गया। जिंदगी में मेरे साथ पहली दफा धोखा हुआ है। सत्ता, तुम अभी गांव जाओ और रामा की मां को यहां लाओ। मैं देखता हूं मेरे हाथ में फिल्म कैसे नहीं आता है। वो तो ठीक है, मगर मेरा मतलब था सरकार। मतलब मतलब कुछ नहीं, तुम अभी और इसी वक्त जाओ और जिस तरह भी हो सके रामा की मां को यहां लाओ। मैं रामा और उसके साथियों से यहां सुलटता हूं। हाँ शाबाश शाबाश, तुम्हारे पहले कुश्ती बिल रॉबिन्सन के साथ होगी। मगर वो तो बहुत स्ट्रांग है, चट्टान की तरह। Oh, get up! He's so slow that I'm so fast that I'll drop kick him out of the ring. I'll beat him. You have not only to beat him, you have got to kill him. कौन है तुम? रामा की जिंदगी का खरीदार, और ये है उसकी कीमत। काम पूरा होने पर दबन दूंगा। कहो मंजूर है? No, no, no. It is a crime. I will not do it. You will do it. You will do it, son. No, my goodness, no. I will. I will. इंग्लैंड से जो बड़ा मशहूर पहलवान बिल रॉबिन्सन आया हुआ है, वो ब्लू बत्ती के कोने पे खड़ा है सामने, और लाल बत्ती के कोने पे रामा पहलवान खड़ा है। अब इनकी बड़ी खूनखार कुश्ती होगी, वो आप देख लें। Well, gentlemen, I hope you realize that it's a non-stop fight and you are aware of the rules and regulations of freestyle wrestling. Therefore, I also request you to listen to the instructions to the referee and shake hands in a clean and the proper fight. Comes out. Commence. Come on.
चलो फिर हम यहीं ठहरेंगे। क्यों बे फटीचर तू? बाबा लपेट मैं तो बन गया सेठ। कल्याण हो बेटा। बाबा मेरा है खाली पेट सिर्फ एक बार। क्या लगा दे चौके से मिंडी और ले ले हुंडी। जाओ जाओ तुम तो जाओ। अब ध्यान ध्यान में है बाबा। बेटा ओए संभाली से। बाबा मेरी बताई हुई तरकीब को बिजनेस बना लिया। चोर से बाबा लपेट बन बैठा। धीरे बोलो गुरु। बहुत मजे में हूँ। मोटरे बंगला पैसा है और जो रुख में कहता हूँ वही होता है। अल्लाह ले हारा। ढोंग रचा कर दूसरों का गला काटता है। अबे बदल दे लाइन ये जुर्म है। दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन खुद भी धोखा खाता है। क्या समझा? ठीक कहते हो गुरु। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, है? मैं भी यतीमों को दान पुण्य करके रात आश्रम में देके यात्रा चला जाता हूँ। मगर बाबा लपेट यात्रा में जाने से पहले जरा हमारा कल्याण तो कर जा। याद है मैंने तेरी मदद की थी। अब तू अपना काम दिखा। बताओ मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं। उनसे हमारा छुटकारा करा। उतार दे बुशकोट। और धोती? धोती नहीं कान लाओ। गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अभी जो इस बिल्डिंग में दो आदमी गए थे वो कहाँ हैं? क्या आदमी की बात करता है बच्चा? आदमी तो तू भी है मैं भी हूँ। हमसे तो भगवान की बात कर भगवान की। अरे मूर्ख इस खिलौने से तो पापी मनुष्य डरते हैं
और हम तो साधु संत हैं, जलाकर भस्म कर देंगे। ओए पागल, देखदा की प्याए, ऐसे मौके बार बार नहीं आंदे। सर झुका ते पैर पकड़ ले, बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं, बेड़ा पार कर देंगे पार। अब अगले पिछले पाप खत्म हो जाएंगे, जो चाहेगा मिलेगा। झुका गर्दन चरण छू ले। नमस्कार महाराज। जीते रहो बच्चा। चलाओ गाड़ी ड्राइवर। इन तीन चिमगादड़ों ने मेरा नाक में दम कर दिया। क्या कह रहे हैं बॉस? कामयाब लौटा हूँ, कामयाब। ले आए उस बुढ़िया को? अजी साहब, इतने आराम से लाया हूँ कि आराम हराम हो गया। शाबाश। ये तो कुछ भी नहीं है बॉस, अगर आप कहें तो समंदर, पहाड़, लाल किला, ताजमहल एक ही इशारे में इधर से उधर शिफ्ट कर सकता हूँ। मिस्टर सत्तार। मिस्टर सरकार। बातें कम, काम ज्यादा। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। मैं अभी उस बुढ़िया को ले आता हूँ, आप उनका दीदार कर लीजिए। उसकी नजर में तो सब कुछ ब्लैक आउट है, मगर आप जी भर के उसको देख लीजिए। मैं उस बुढ़िया को नहीं उसके लड़के को देखूंगा। तुम उस बुढ़िया को लेकर वहां पहुंच जाओ, जिस जगह से तुम खूब अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं उसके लड़के को वहां बुलाऊंगा और उससे राज हासिल करने के बाद उसका काम तमाम कर दूंगा। अरे वाह बॉस, वाह। मिस्टर सत्तार। मिस्टर सरकार। स्पीक लेस। सॉरी सर। अरे बेटे, ये बहुत काम की चीज है, इसे खेलो मत। हाँ देखो, रामू भैया आएंगे ना तो उनसे कहेंगे हम लोग को पिक्चर ले चले। अच्छा। अरे रामू भैया आ गए, छुपचा छुपचा जल्दी छुपचा। आई भैया। शोर मत मचाना, कहाँ है वो फिल्म? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? रामू भैया के पास। रामू भैया के पास, वही मक्कारी चालाकी। कोई परवाह की बात नहीं, अब तक मैं उस फिल्म के पीछे दौड़ता था, मगर अब वो मेरे पीछे दौड़ेगी। ले चलो इसको। गाड़ी में रूपा थी। रूपा इस गाड़ी में? हाँ। अरे कोई और होगी। अरे मैं कहता हूँ रूपा थी। तुम एक काम करो, तुम घर चलो, मैं भी आता हूँ। अच्छा जाओ। भाई साहब, जरा मेरी मदद कीजिए। क्यों? उस गाड़ी में कुछ बदमाश एक लड़की को लेकर भाग रहे हैं। बॉस, वो लोग हमारे पीछे कर रहे हैं बॉस। अबे मैंने भी देख लिया है। ए बेबी, ये देखो, इसमें 6 गोलियां जिनसे मैं 6 जिंदगियों से खेल सकता हूं, लेकिन शायद मुझे इसकी जरूरत न पड़े अगर तुम मेरा कहा मान जाओ। क्या मतलब? पीछे ट्रक में तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है, और शायद उसे पुलिस से भी कुछ मदद लेनी पड़े, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राम की मां इस वक्त मेरे कब्जे में, और तुम खुद समझ सकती हो कि क्या क्या हो सकता है। बदमाश, गुंडे, देश के दुश्मन। और तेज, और जोर से, और तेज, बड़े जोर से। ओ आई एम सॉरी। देखो, मैं किसी बेगुनाह की जिंदगी से खामखा खेलना नहीं चाहता। तुम थोड़ी देर के लिए अपने प्रेमी को पहचानने से इनकार कर दो तो राम की माँ की जिंदगी बच सकती है। ये मैं नहीं कर सकती। लड़की, तुम्हारी हाँ या ना से कुछ नहीं होगा, जो मैं चाहूंगा वो होगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। देखो, अगर ये लड़की किशोर को पहचान ले तो इसे और किशोर को गोली मार दो। नहीं नहीं नहीं। चलो। दादी, पकड़ लो इन्हें। जो जेंटलमैन, हमें कुरियन चौक पे दौड़ना है। नॉनसेंस, ये होटल है या बदमाशों का अड्डा? आशा तुम इस बदमाश को जानती हो? बोलो। नहीं, मैं इसे नहीं जानती, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। रूपा जी, क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे नहीं पहचानती? नहीं नहीं नहीं, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तो फिर वो कभी ना बिछड़ने के वादे, वो देशभक्ति के जज्बे, वो सब क्या था? ढोंग, फरेब।
सरदार साहब, मुझे मालूम नहीं था कि सोसाइटी की रंग बिरंगी तितली अपने नाजुक पनों से किसी गरीब करमानों को यूं बिखेर देगी। माफ कीजिए मेम साहब, मैंने आपको पहचानने में गलती की। आशा चलो। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, किसी राही से तुमने कभी वादा किया था किसी साथी से, न वो प्यार रहा न वो बात रही, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी किशोर क्या हुआ? रूपा नहीं मिली? हमारी दीदी, तेरी दीदी मर गई। ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, अब रूपा हमारी नहीं रही, दौलत की चमक दमक ने उसके काले दिल को जीत लिया है। क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, वो गुंडे से मिल गई है और उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। कोई वजह जरूर होगी, मुन्नी ने मुझे बताया है कि वो लोग उसे जबरदस्ती उठा कर ले गए। जबरदस्ती? हाँ मिस्टर राम, हम स्टेडियम में हुए मर्डर केस की इंक्वायरी के लिए आए हैं, सच सच बताइए कि मामला क्या है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं तो हेलो, मैं राम बोल रहा हूं, आप कौन हैं? तुम्हारा बाप राम,
तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी अंधी माँ शहर आ चुकी है और इस वक्त रूपा भी मेरे कब्जे में। अगर तुम इन दोनों जिंदगियों की सलामती चाहते हो तो फौरन वो फिल्म लेकर ऑब्जर्वेशन क्रॉस पे आ जाओ और देखो पुलिस को खबर मत करना वरना अंजाम क्या होगा तुम खुद समझ सकते हो। मिस्टर राम ये फिल्म का क्या मामला है? फिल्म? मैं बताता हूं इंस्पेक्टर साहब, ये वो फिल्म है जिसके जरिए देश के खुफिया राजों को दुश्मनों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ओह आई सी, ये वही फिल्म है जिसकी पुलिस को तलाश है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस फिल्म की रखवाली करने के लिए हम आज तक खतरों से खेलते आए हैं और अब मैं ये फिल्म आपके सुपुर्द कर रहा हूं। मगर वो फिल्म? फिल्म। अरे वाह मेरे मुन्नी, तेरा जवाब नहीं। इंस्पेक्टर साहब ये रही फिल्म। ये लीजिए राम। ये क्या? इसकी इस वक्त आपको सख्त जरूरत है। गुंडों ने धमकी दे रखी है, अगर ये फिल्म उन तक न पहुंचाई गई तो आपकी माँ और रूपा की जान खतरे में है। माँ वो शहर आई हुई हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी माँ की जिंदगी के लिए देश के करोड़ों इंसानों की आजादी के साथ नहीं खेल सकता। आप बहुत जज्बाती आदमी हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं वैसे ही कीजिएगा। बैठ जाओ गाड़ी में। मेरी माँ कहाँ है? मेरा फिल्म कहाँ है? पहले मेरी माँ और रूपा को मेरे हवाले कर दो, फिर फिल्म दूंगा। तुम समझते हो एक बार नकली फिल्म लेकर धोखा खाने के बाद मैं तुम्हारे पर इतनी आसानी से भरोसा कर लूंगा? तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाएगी, पहले मेरा फिल्म लाओ। नहीं, पहले माँ फिर फिल्म। मैं ज्यादा बातें सुनने का आदी नहीं, मुझे फिल्म चाहिए। ओहो आप तो गुस्से में आ गए। मैं मानता हूँ जिसके पास ताकत होती है उसके आगे दुनिया झुकती है। आपको पहले फिल्म चाहिए ना? देता हूँ। कहाँ है? वो यहाँ है। काफी देर हो गई है, अभी तक मिस्टर राम ने कोई सिग्नल नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि अभी हमें वहीं चलना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब मुझे उसकी ताकत पर पूरा भरोसा है, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। स्वामी, 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 बेटा, बेटा
माँ, यह मेरे पिता की आवाज नहीं हो सकती। ये आदमी इंसानियत का दुश्मन, डाकू, लुटेरा है। नहीं बेटा, नहीं ऐसा मत कहो बेटा। राधा, राम ने जो कुछ कहा वो सब सच है। राम, मेरे बेटे, काश तुम मेरी मजबूरियों को समझते। मैंने हालात से मजबूर होकर इस जुर्म और गुनाह की जिंदगी को इख्तियार किया था। बेशक मैं गद्दार मुजरिम, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं कभी तुम्हें अपने गले से लगाऊंगा, लेकिन किस्मत को यह मंजूर न था। आज मैं तुम्हारे सामने अपने हाथ फैलाता हूं। जकड़ लो इन हाथों को, क्योंकि ये गद्दार और मुजरिम के हाथ हैं, और इन्हें कानून के हवाले कर दो। इसके बदले जो भी बुलंद मकाम तुम्हें मिलेगा, समझ लेना वो तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हें एक तोहफा है। पिताजी, मुबारक हो बहुत। आज बहुत खुशी का दिन है कि बड़ी मुद्दत के बाद बाप और बेटे गले मिल रहे हैं। मिस्टर राम, अब वो फिल्म हमको दे दीजिए। क्या पत्ते? पत्ते नहीं, ये कहते हैं। राम, गोली चलने से पहले फिल्म इनके हवाले कर दो। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी। थैंक यू मिस्टर सत्तार। मिस्टर सरकार, इस गोदाम में इस खानदान को जलाने के लिए बहुत मसाला है। दरवाजा बंद करो और आग लगा दो। जो हुक्म बात की। ठहरो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। पीछे होता है उन कमबख्तों ने गोडाउन में आग लगा दी। घबराइए नहीं पिताजी, पहले एक ताकत थी, अब हम दो हैं। दोनों मिलकर तो लोहे की सलाखें भी तोड़ सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती है, मैं उनका पीछा करता हूं। ओके मिस्टर किशोर, तुम जा सकते। ये बेगुनाह है। फिल्म असली मुजरिम के पास पहुंच गई है, उनके पास पहुंचाने में ये हमारी मदद करेंगे। इन्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दीजिए। ऑल राइट। चलो। वाल, तुम फिल्म लाया, मगर तुम्हारा बॉस किधर है? वेल मिस्टर डोमल, जैसे आप एक गैर मुल्की एजेंट हैं, वैसे ही मैं अपने बॉस का एजेंट हूँ। मैंने माल आप तक पहुँचा दिया, अब हम लोगों की मेहनत का बदला मिलना चाहिए ना। ठीक है। देखो, हम किसी को धोखा नहीं देता। मैं तुमको रुपया मांगता, ये लो। लो तो ये लो। डिटेक्टिव किशोर, भागने की कोशिश न करना, चारों तरफ से पुलिस का पहरा है। Ha ha ha!
जिसके यहाँ आने से पेश कर मैं तुझे जान से मार दूंगा।
राम पिताजी राम माँ पिताजी राम नाथ माँ मैंने जिंदगी में तुम्हें कौन सी ऐसी खुशियां दी थी जो तुम मेरी मौत पर रो रही राम पिताजी मेरे बेटे मुझे तुम पर बड़ा फख्र अपनी माँ का ख्याल रखो पिताजी